हेलो फ्रेंड्स, आप सबका एक नए वीडियो में स्वागत है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप लोग को बताने वाला हूँ कि फ्लिपकार्ट कस्टमर केयर से कैसे बात करते हैं अगर कोई भी प्रॉब्लम हो आपको, या आपका आइटम चेंज हो गया है, या आपका जो आइटम है वो लेट आ रहा है, तो उसके बारे में आप बात कर सकते हैं। या वाइस आपका डाउनलोड नहीं हो रहा है, या कुछ भी प्रॉब्लम हो तो आप कस्टमर से कैसे बात करेंगे, फ्लिपकार्ट वाले से, फ्लिपकार्ट के कस्टमर से कैसे बात करेंगे, आज की इस वीडियो में बताऊंगा। तो शुरू से लेकर लास्ट से देखिएगा, तभी आपको समझ में आएगा। सबसे पहले करना क्या होता है कि जो भी आपका एप्लीकेशन है उसको ओपन करना है। जैसे कि आपका फ्लिपकार्ट का, तो फ्लिपकार्ट ओपन करिए। मैं क्रोम में चलाता हूँ, तो चलिए मैं यहाँ पर खोल दिया क्रोम में। अब यहाँ पर देखिए कुछ इस प्रकार का होम पेज खुलेगा। अब यहाँ पर आपको करना क्या है कि यहाँ पर देखिए थ्री लाइन दिखाई दे रहा है, आपको इस पर क्लिक करना है। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो फिर आपको नीचे आना है। यहाँ पे अगर कोई चीज़ ऑर्डर किए हैं उसमें कुछ प्रॉब्लम है तो आपको यहाँ पे माय ऑर्डर वाले पे क्लिक करना है, कस्टमर केयर से बात करना है। तो अब फिर आपको जो भी डिलीवर हुआ है देख सकते हैं। यहाँ पर मेरा अभी 16 तारीख हुआ, तो मैं इस पर क्लिक करूँगा और देख सकते हैं कि ये मेरा आ चुका है, यहाँ पर डिलीवर हो चुका है। अब मेरे को क्या करना है कि मेरे कस्टमर से बात करना है, कुछ प्रॉब्लम है तो आपको यहाँ पे क्या करना, देखिए जाना है यहाँ पे। देखिए जो भी आपका आइटम आया रहेगा यहाँ पे, कुछ रेटिंग रिटर्न के लिए करने के लिए बोलेगा। यहाँ पे नीड टू हेल्प, आपको जो भी हेल्प चाहिए इस पर क्लिक करना है। मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे देखिए कुछ इस पर का ऑप्शन आएगा, देख सकते हैं। जो भी आपका नाम रहेगा वो नाम यहाँ पर आ जाएगा और कुछ लिख के आ जाएगा कस्टमर की तरफ से, ठीक है। थोड़ा मैं ऊपर करता हूँ यहाँ पर। देखिए यहाँ पर आपको करना क्या है, आपको कुछ प्रॉब्लम है तो यहाँ पे भी आता है ऑप्शन, ठीक है। अगर नहीं लिखा है तो यहाँ पे भी आप उसको कमेंट करके उसको मैसेज सेंड कर सकते हैं। तो मेरा प्रॉब्लम ये है, देख सकते हैं कि गेट माय बिल और द इनवाइस, ठीक है। मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो अभी देखिए यहाँ पे आ गया कि ईमेल माय बिल इनवाइस, ठीक है, आपके ईमेल पर गया होगा, ठीक है। फिर यहीं पर भी कुछ और ऑप्शन आता है, अगर आपको कुछ और प्रॉब्लम है तो यहाँ पे आप कमेंट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, क्लिक कर दूँगा। और देखिए यहाँ पे ऑप्शन आ गया, देखिए आवर कस्टमर सपोर्ट एक्सपेंस विल विद हेल्प डिटेल्स प्लीज़ चूज द। फिर यहाँ पे आपको अगर कस्टमर से बात करना है तो यहाँ पे रिक्वेस्ट इज द कॉल पे क्लिक करना है। अगर इन चैट आपको ओपन करना है तो इस पर क्लिक करना है। तो मेरे को कस्टमर से बात करना है तो यहाँ पे मैं क्लिक कर दूँगा। जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा तो आपको अपना लैंग्वेज यहाँ पे चूज करने के लिए मिलेगा। आपको अपना लैंग्वेज चूज़ करना है कि आपको हिंदी में बात करना है, इंग्लिश में बात करना है, बंगाली में बात करना है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे बहुत सारा ऑप्शन दिया है, मैं यहाँ पर हिंदी पर क्लिक कर दूँगा तो यहाँ पर हिंदी हो गया। अब यहाँ पर देखिए आपने जो नंबर दिया था उस पर किस नंबर पर आपको चाहिए कॉल वो यहाँ पर शो कर रहा है। तो मेरे को जो भी आपका नंबर आपके पास है उस वाले पे क्लिक करना है, तो मैं इस वाले पे क्लिक करूँगा। ये नंबर उसके पास गया और यहाँ पे रिक्वेस्ट एक कॉल पे क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन आ रहा है कि सॉरी टू कनेक्ट योर द राइट कस्टमर सपोर्ट एक्सपीरियंस प्लीज टेल योर द परफॉर्मेंस लैंग्वेज, आपका लैंग्वेज है वो यहाँ पर बोल रहा है करने के लिए, तो मैं हिंदी कर देता हूँ। मैं यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर चूज़ कर लेता हूँ। तो यहाँ पे देखिए फिर से ऑप्शन आ गया, ओके यू रिसीव द कॉल ऑन द योर सेलेक्टेड फ़ोन नंबर, जो आपने नंबर सेलेक्ट किया था उसमें आपको कॉल आएगा उधर से 2 से 4 मिनट में, ठीक है। तो आपको वेट करना है, रेडी और तैयार रहना है, ठीक है, कॉल आएगा तो। तो चलिए हम वेट कर लेते हैं, कस्टमर से बात करते हैं। तो आप इसी तरह से कस्टमर से बात कर सकते हैं, बहुत ही आसान तरीका है। ये जानकारी आपको कैसा लगा कमेंट करके भी बता सकते हैं। अगर अच्छा लगे प्लीज़ लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। चलिए फिर से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।